लेते हैं अमित, आज सीएम भूपेश बघेल अब बालोदा और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे, इसके अलावा कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल भी खैरागढ़ के दौरे पर थे और कल वहां उन्होंने 6.5 करोड़ से अधिक की सौगात दी है, तो एक तरह से जिला बनने के बाद अब खैरागढ़ के विकास की राह खुल गई है। और वहीं आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर, रायपुर जिले के दौरे पर और बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे, तो यहाँ पर कई विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज रायपुर में जिस तरीके से यहाँ जो खैरागढ़ की नवनिर्वाचित विधायक है यशोदा वर्मा, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और साथ ही इसके बाद 4:10 पे वो हेलीकॉप्टर से दुर्ग जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। दुर्ग जिले में जहां मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करते नजर आएंगे, वहीं वहां कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होते नजर आएंगे, वहीं बालोद जिले के दौरे पर जाएंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार 8:30 रात तक लगातार व्यस्त कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से खैरागढ़ में ऐतिहासिक जीत कांग्रेस ने किया और 71वां विधायक उन्होंने वहां पर अपना बनाया है और खैरागढ़ भी अब जिला बन गया है, तो एक तरह से पूरी कांग्रेस से जोश से लबरेज है, क्योंकि जितने 71 विधायक आज तक किसी भी पार्टी के छत्तीसगढ़ में नहीं रहे, तो ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे में 71वें विधायक के रूप में यशोदा वर्मा आज विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होती नजर आएंगी। आज वह शपथ लेंगी विधायक की और बाकायदा आज से वह विधायक कहलाएंगी, जनप्रतिनिधि कहलाएंगी। और इस शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगे, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक रहेंगे। तो एक तरह से पूरे सभी विधायक कांग्रेस के यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो ये कार्यक्रम अभी आयोजित किया गया। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे जो मिलना कुरने, श्रीमती मिलना कुरने जो IPS है, उनको यहाँ पर रेलवे SP बनाया गया है और साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण की DIG के रूप में भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जगह कसावट लाने का प्रयास करें, जिस तरीके से यहाँ से IAS की लिस्ट अभी जारी हुई, IPS की लिस्ट जारी हुई और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ प्रशासनिक कसावट लाने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही, तो एक बड़ी बात है। और प्रशासनिक कसावट लाने की मिशन 2023 के पहले प्रशासनिक कसावट लाने की जुगत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।